कुल्हाड़ी जंगल काट रही थी, लेकिन पेड़ कुल्हाड़ी को ही वोट देते रहे, क्योंकि उन्हें ब्रेन वॉश करके कन्विंस कर दिया गया था कि तुम भी लकड़ी के ही बने हो और ये कुल्हाड़ी भी लकड़ी की ही बनी है। ये कहावत आज सच हो चुकी है। किसी सेठ की नकली दवाई पास कर दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे के बदले में, तो किसी सेठ की टैक्स चोरी का नोटिस वापस ले लिया गया, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, किसी सेठ को रूल्स बदलकर एयरपोर्ट दे दिए गए, कोयला दे दिया गया। केवल कोयले की माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, बल्कि ऑर्डर पास किया गया कि सरकारी कंपनी कुछ परसेंट कोयला इसी सेठ से खरीदे और वो भी 10 गुना दाम में। बेशर्मी की हाइट्स कर दी पीएम नरेंद्र मोदी और उनके मित्रों ने। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। कोई सेठ सरकारी बैंकों के रुपए लेकर विदेश भाग गया तो कुछ के लाखों करोड़ के कर्ज माफ कर दिए गए, मजे ही मजे। और फिर टैक्स वसूली की सरकार ने जनता से। पेट्रोल, डीजल, गैस, सिलेंडर, खाना सब कुछ महंगा हो गया। 1% अमीर मजे लूट रहे हैं और 99% लोग घाटे में रहे। एक गरीब 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगने में मजबूर हो गया, बेरोजगार हो गया, लेकिन कुछ को अभी भी गुस्सा नहीं आ रहा। क्यों? पप्पू मतलब मुकेश भाई ने हमको कहा है कि गाना वो चूज करेंगे और उस गाने पे हम तीनों डांस करेंगे। हाँ चलेगा। पप्पू हैज चोजन नाचो नाचो, नाचो नाचो। बेचारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गरीब स्टूडेंट्स जिन्हें कोई इनवाइट नहीं मिला, वो इस वीडियो को देखकर खुश होते हैं कि हमारे हिंदू सेठ मुकेश अंबानी ने मुस्लिम शाहरुख, सलमान और आमिर को नचवा दिया। लेकिन जो ब्रेन वॉश नहीं हुआ है वो सीधा देख सकता है कि इस वीडियो में अमीर शाहरुख, अमीर सलमान और अमीर आमिर खान अपने अमीर दोस्त मुकेश अंबानी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और गरीब रमेश और गरीब अब्दुल बैठकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बस इतना सा फर्क है।